मेरे इनमें इजाफा फरमा। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक पेज नंबर 96। जी स्टूडेंट्स, तो अब आपने अपनी मैथ्स की बुक का पेज नंबर 96 ओपन कर लिया है, ठीक है। अब देखेंगे इक्वल पार्ट्स क्वार्टर, मतलब हमने बिल्कुल इक्वल पार्ट में हमने करना है, ठीक है। टेक द शेप्स दैट आर डिवाइडेड इन टू क्वार्टर। आपने ये आपके पास बहुत सारी शेप गिवन है यहाँ पर, अब आपने क्या करना है, इन शेप्स को देखना है और बताना है कि जो चीज़ क्वार्टर में है उसमें आपने टिक कर देना है। जो शेप क्वार्टर में है आपने उस पर टिक कर देना है। क्वार्टर आर फोर इक्वल पार्ट्स, आपको पता है क्वार्टर्स में कितने पार्ट्स होते हैं, फोर इक्वल पार्ट्स में होता है क्वार्टर, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपके पास ये स्क्वायर गिवन है। अगर आप इस स्क्वायर शेप को देखिए तो ना ये तो क्वार्टर है ना ये हाफ है, क्योंकि अगर हाफ होता तो बिल्कुल डिवाइड होता टू पार्ट्स में। जैसे मैंने आपको एक पेपर में दिखाया था कि मैंने उसको फोल्ड किया था तो बिल्कुल जो दोनों पार्ट थे वो क्या थे, इक्वल थे। तो ना तो ये हाफ है और ना ये क्वार्टर है। तो अब हम क्या कर देंगे, इस पर कर देंगे क्रॉस। ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास डन हुआ हुआ है। देखिए 1 2 3 4, फोर क्वार्टर आ रहा है, फोर इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं और बिल्कुल बराबर है, तो हमने कर दिया टिक। एंड अब आप देखिए कि आपके पास सर्कल गिवन है, सर्कल में कितने हैं पार्ट्स, 1 2 3। ना एक तो ये 3 है, ठीक है, पहली बात ये 3 है, उसके बाद ये बिल्कुल इक्वल भी नहीं है, तो हम कर देंगे इसमें क्रॉस। फोर्थ शेप देखिए, 1 2 3 4, ये देखिए 4 पार्ट्स हैं और ये इक्वल डिवाइड भी हैं, तो इस पर क्या कर देंगे टिक। ना दोबारा आप सर्किल देखिए, आपके पास सर्किल गिवन है, देखिए 1 2 3, बट ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है हम यहाँ क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये देखिए आपके पास सर्किल दोबारा गिवन है और आप इसने इसको देखें तो ये क्वार्टर में है, ठीक है, 1 2 3 4, फोर इक्वल पार्ट में है ये, ठीक है, फोर इक्वल पार्ट में है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। दोबारा आप देखें, आपके पास फिर गिवन है शेप, आप देखिए इसके 3 पार्ट्स हैं, ये हमारे पास ना तो हाफ में है ना तो ये क्वार्टर में है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यही लाइन जो है आगे यहाँ तक होती तो हम इसको कह सकते थे फोर इक्वल पार्ट्स, तो हम यहाँ इधर कर देते टिक, बट यहाँ पे तो हमारे पास ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ कर देंगे क्रॉस। ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल में 4 पार्ट्स हैं बट ये इक्वल नहीं है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं बट ये इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ कर देंगे क्रॉस, ठीक है। अब आप अगेन देखिए कि आपके पास एक और शेप गिवन है, इसमें देखिए इसके 4 पार्ट्स हैं और अगर आप गौर से देखें तो इन 4 पार्ट्स जो है, ये 4 पार्ट जो है बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है, तो अब आप इधर कर देंगे टिक, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। दीज शेप्स आर ऑल कट इनटू क्वार्टर्स। अब आप देखिए ऊपर शेप्स आपके पास गिवन थी बट उसके अंदर कुछ क्वार्टर में थी कुछ नहीं थी, क्यों नहीं थी, या आपने पहले पेज नंबर 95 में सीखा था कि क्वार्टर कैसे करना था, ठीक है, ये चीज़ें आपने सीखी थी उसकी मदद से आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि आपके पास जितनी भी शेप गिवन्स हैं, गिवन है यहाँ पे, उनको कट किया हुआ है क्वार्टर्स में। कलर ईच क्वार्टर इन अ डिफरेंट कलर। अब आपने क्या करना है, हर क्वार्टर को क्या करना है, डिफरेंट कलर करने हैं। देन राइट 1/4 नेसेसरी। देखिए अब आपके पास सेम ये वाली बनी हुई शेप यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4, 4 पार्ट्स ही गिवन है ना यहाँ पर, तो अब आपने क्या किया है, इस पर हर पार्ट में लिख दिया 1/4 1/4 1/4, और आपने इसको कलर कर देना है। सेम आपने ये करना है, आपने इसके 1 पार्ट में कलर करके 1/4 लिख देना है हर पार्ट में, ठीक है, 1/4 1/4 1/4, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, कलर कर देना है, क्या कर देना है, कलर कर देना है। सेम इसी तरह आप इसमें भी करेंगे 1/4 1/4 1/4, और आप इसमें क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, ठीक है, ये आप कलर करेंगे, डिफरेंट कलर आप इसके अंदर करेंगे, ठीक है।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा पेज नंबर 96। इसी तरीके से आप अपने सारे करेंगे 1/4, 1/4, 1/4 इसमें भी लिखेंगे, इसमें भी, और क्या कर देंगे, डिफरेंट कलर करेंगे क्वार्टर में, ईच क्वार्टर में डिफरेंट कलर करेंगे। जिस तरह आपके पास एक डन है उसी की मदद से आप सारे करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।